गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो कोर्स है वो है महादशा। चार भाग है इसके अंदर, महादशा, नक्षत्र, डिग्री और गोचर। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ये प्रमुख अंग हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। दशा से हमें क्या समझ में आता है, मैं धीरे धीरे कुछ एक चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, मान लीजिए किसी की शनि की महादशा आई, या मान लीजिए बुध की महादशा लगी, फॉर एग्जाम्पल बुध की दशा लगी, ये लगी क्या महादशा, ठीक है। अब आप सामने स्क्रीन पर देखिए बुध किस घर का स्वामी है, तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी है। घर का तो बुध जब अपनी दशा में तीसरे घर का भी फल देगा और छठे घर का भी फल देगा, राइट? यस। तो दशा स्वामी, महादशा स्वामी जिन स्थानों का स्वामी है, फिर से कह रहा हूं, जिन स्थानों का स्वामी है वहां का फल देगा, बात क्लियर। अब इसके बाद आता है अंतरदशा नाथ, फिर आता है प्रत्यंतर दशानाथ। ये तीन ही चीज प्रमुख होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि ये कहां कहां के फल देंगे, क्योंकि हमें फल देखना ही नहीं आता दशा का, मैंने महादशा का बता दिया। जिसकी जो महादशा चल रही है, अगर शनि की दशा महादशा चल रही है, वो ग्यारहवें भाव का और दसवें घर का फल देगा। किसके लिए? केवल मेष लगन के लिए, बात क्लियर, ठीक है। yes. थैंक यू। अब आप देखिए बड़े ध्यान से क्या होता है कि बड़े बड़े विद्वान जो ज्योतिष आचार्य होते हैं, सबसे पहले कुंडली में दशा सीक्वेंस देखते हैं। पता है आपको दशा सीक्वेंस से क्या होता है कि पता लगे कि तारा दोष वाली दशा तो नहीं लगी हुई। एक सेकंड में देखा जा सकता है। जब आप मेरी क्लास में आएंगे ना, तो हार्डली मेरे को 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट, दोबारा रिपीट करना होगा तो 3 मिनट, वैसे तो 1 मिनट में मैं करा दूंगा। तारा दोष लगा है तो वो दशा पीड़ादायक रहेगी। तारा दोष में दशा जो है वो पीड़ादायक होगी, आपको पीड़ा देगी, ये बात पक्की मान करके चलिए। दशा सीक्वेंस देखना है हमको, किस प्रकार से अच्छा दे रहा है या बुरा फल दे रहा है। फिर आता है बाधक ग्रह की दशा, बाधा पहुंचाने वाले बाधक ग्रह की दशा। भाई अपने आप में ही पता लग रहा है हमको, बाधक का मतलब होता है ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, हमारे रास्तों पे अवरोध उत्पन्न करना, यानी स्पीड ब्रेकर। जो काम हमारा एक चक्कर में हो जाना चाहिए वो 2 या 3 चक्कर में होगा, उसको बोलते हैं बाधक दशा। बाधक के बाद आता है आरोही अवरोही दशा। देखिए मैं आरोही समझा देता हूं। अब क्या है आरोही में, क्या है, जैसे शनि यहां बैठा है तो शनि यहां से चलेगा तो ये उच्च की राशि है, क्लियर? यस। तो इसको बोलते हैं आरोही दशा, जो शुभ होती है आरोही दशा। अब इसी शनि को हमने कहा कि शनि महाराज बैठे थे अपनी ही कुंभ राशि में, अब शनि जो है वो आगे चलेंगे तो नीच के होंगे, तो ये दशा क्या है अवरोही दशा, तो जो शुभ नहीं होगी। वो बात अलग है कि शनि महाराज अपनी राशि के बैठे हैं, लेकिन जैसे जैसे शनि आगे चलेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, तो वो अवरोही दशा है। अब आप देखिए किसी शुभ ग्रह की दशा है और उसमें शुभ ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो बहुत लाभ होगा। अगर उसी शुभ ग्रह में अंतरदशा अशुभ ग्रह की दशा आ जाए तो नुकसान होगा, लेकिन ये नहीं है कि पूरा समय नुकसान होगा, मैक्सिमम हाफ पार्ट होता है नुकसान होने का। उत्तरार्ध और प्रार्ध लेटर ऑन, मतलब उत्तरार्ध का मतलब पहले, बाद में कैसे उसका लाभ हानि होगा वो आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। जब भी किसी शुभ ग्रह की दशा होती है उसमें अशुभ ग्रह की दशा आ जाए तो उसका कुछ भाग
कष्टदायी जाता है, कुछ भाग नहीं जाता। फिर आता है इसी प्रकार वाइस वर्षा कर दे, अशुभ ग्रह की दशा थी और उसमें शुभ ग्रह की अंतरदशा आ गई, तो इसका कुछ भाग शुभ जाएगा, कुछ भाग अशुभ जाएगा। पीड़ा सारे समय नहीं होती है, क्लियर है? पीड़ा यस सर जी। अब आगे चलते हैं, दशा के अंदर क्या होता है, वक्री ग्रह की दशा। किसी कोई भी चेक कर लो अपना, वक्री ग्रह की दशा में ऊंच नीच बहुत होती है, अप एंड डाउन, ऊंच नीच। वक्री ग्रह की दशा होगी तो लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे ही आएंगे। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, कुछ पॉइंट्स मैं क्लास में बताऊंगा, इसीलिए कोर्स बना है, पर बताऊंगा पर्सनल अटेंशन से। ऐसा नहीं है कि किसी को पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगा, हर एक को प्यार से उंगली पकड़ के समझाना, ये मेरा गुणधर्म है जिन्होंने मेरे साथ कोर्स किया है। क्लास कब से है आपकी? मंडे से है जी। ठीक है, मैं अभी वो लास्ट में सारा बता देता हूँ जी आपको, मेरे को रिकलेक्ट करा देना अगर मैं भूल जाऊं जी। ये उषा जी ने मेरे से कोर्स किया, उंगली पकड़ के इनको कराया, बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। पूछ पूछ के बताओ इसका मीनिंग क्या है, ठीक है? और ये हमारे दिनेश मेहता जी भी हैं, वन प्लस नॉल लिखा है सी टू, इनको भी उंगली पकड़ पकड़ के पढ़ाया है। आप बताओ, मैंने पढ़ा दिया, अब आप बताओ मेरे को, तो तभी आता है एस्ट्रोलॉजी। अब आपको यहाँ बताएंगे, छुपे हुए थे हमें पता ही नहीं चला आपका तो। अरे कोई बात नहीं, मेरा फेसबुक पेज मैं डाल दूंगा, आप उसको लाइक कर लो, हमेशा कोर्सेज आते रहते हैं। अब मैं अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर। आप लोग कहते हो ना कि यार वो मेरा पैसा ले गया, वो मेरी जमीन ले गया, या उसने मुझे धोखा दे दिया, नॉर्मली हम बोलते हैं। तो मैं दशा में सिखाऊंगा कि वो पूर्व जन्म का संबंध था, वो लेने आया था, लेके चला गया, आपका देना बनता था। फिर ये बात उठती है जी, मैंने लेना था तो वो भी तो बताऊंगा ना। अगर कोई लेके गया है तो अब आप अगले जन्म में उससे लोगे, ब्याज समेत मिलेगा आपको। ये टेक्निक भी सिखाऊंगा कि मान लीजिए उषा जी से कोई 1000 रुपए ले गया और उषा जी परेशान है, यार मेरे पैसे नहीं वापस किए। मैं कुंडली से ये एक्सप्लेन करूंगा कि भैया ये पूर्व जन्म का था आपसे संबंध उसका, वो अपने पैसे लेने आया था, वो लेके चला गया। अब दूसरा पॉइंट भी तो बनेगा कि क्या मेरे पैसे मिलेंगे मुझे, ये भी पॉइंट आता है। हाँ, अगर उसका पूर्व जन्म का संबंध नहीं है, वो लेके चला गया है, तो वो पैसे आपको अगले जन्म में मिलेंगे। ये टेक्निक मैं शेयर करूंगा। दूसरी एक अच्छी टेक्निक मैं यहां बताता हूं, किसी की भी शनि की दशा चल रही हो और आदमी ने गलत काम नहीं किया, किसी के साथ ठगी, छल कपट, लेबर के पैसे नहीं मारे, गरीब मजदूर के पैसे नहीं मारे, अगर उसके पैसे किसी ने मार लिए तो शनि की दशा खत्म होने से पहले उसके पैसे वापस दिलाने का काम शनि महाराज करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शनि अपनी दशा खत्म होने से पहले आपके पैसे दिलवा देंगे। तो इस तरह से हम संबंध सारा देखेंगे दशाओं का, क्लियर? तो कई प्रकार के दशाओं के छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट किए, ठीक है? क्या होता है कि जैसे छठे घर के स्वामी की दशा आ गई, बुध की दशा, तो छठा घर आपका रोग का है तो रोग तो आना ही है। बारहवें घर के स्वामी की दशा आ गई, बारहवें घर का स्वामी खर्चे का है, खर्चा तो आएगा ही, चूंकि इसका स्वामी बृहस्पति नवम भाव में भी है तो खर्चा धार्मिक कार्य में होगा। बृहस्पति जो है वो नौवें घर का भी तो स्वामी है। अब कुंडली में ग्रह कैसे बैठा है, कहां बैठा है, उसके अनुसार दशा का निर्धारण किया जाता है, उसका फलित किया जाता है कि अपनी दशा में वो किस प्रकार से फल देगा। मैंने सिंपल सा कहा, मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, या मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, तो उसका अर्थ क्या हुआ, बृहस्पति जो है अपनी दशा में धर्म का कृत्य करवाएगा आपसे, धर्म पर खर्चा करवाएगा। हो सकता है रामलीला कमेटी में पैसे दें, भंडारे में पैसे दें, किसी मंदिर के कंस्ट्रक्शन में या किसी धर्मशाला के कंस्ट्रक्शन में आप धन व्यय करें या खर्च करें, क्लियर?
अब आते हैं हम लोग नक्षत्र पर। नक्षत्र क्या होता है? देखिए 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। 28वां नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण ने अभिजीत को द्वापर युग में निकाल दिया था। 28वां होता है अभिजीत, इसे भगवान श्री कृष्ण जी ने निकाल दिया था द्वापर युग में। क्लास में आएंगे मैं कथा से बता दूंगा, दो लाइन की कथा कर देता हूं एब्रीवेटेड, मैं समझा दूंगा कैसे निकला ये। 27 नक्षत्र होते हैं, हमारा किसी ना किसी नक्षत्र में जन्म हुआ होता है, क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ, जितने मेरे को भगवान ने डिस्क्लोज किए हैं नक्षत्र मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पुष्य शब्द का अर्थ होता है, मैंने इसके लिए ना संस्कृत और हिंदी की संधि विच्छेद की किताबें पढ़ी थी, टू मोर अंडरस्टैंडिंग विद द नक्षत्रास, ठीक है? पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना। आप देखिए जब भी दिवाली आएगी ना टीवी पे सारे कहेंगे जी पुष्य नक्षत्र में पूजा करो, पुष्य नक्षत्र में अक्षय तृतीया पे वो सोना खरीदिए चांदी खरीदिए। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना। तो नक्षत्र का थोड़ा जो अर्थ है मैं वो समझाऊंगा आपका। अब जैसे मान लीजिए समवन इज बोर्न इन हस्त नक्षत्र, व्हाट डज इट मीन द हस्त नक्षत्र? हस्त का मतलब हैंड, वो आदमी अपना हैंडीक्राफ्ट के काम में या किसी भी टाइप के हाथ के काम के अंदर भगवान उसे परिपक्वता देता है। बात क्लियर हुई? छोटी सी चीज है ये, छोटी छोटी चीजें हैं नक्षत्र के अंदर जो मैं अच्छे से समझाऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, नक्षत्रों के चार चरण होते हैं। नॉर्थ इंडिया में चरण बोलते हैं, साउथ इंडिया के अंदर पदा बोलते हैं, पदा, ठीक है? गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं वो केवल केवल दो ही ग्रह के होते हैं, बुध और केतु के, ठीक है? बुध के तीन नक्षत्र होते हैं, केतु के तीन नक्षत्र होते हैं। अब बहुत से लोग गंडमूल की पूजा करा लेते हैं, तो मैं क्लास में ये समझाऊंगा भैया गंडमूल की कुछ एक सिचुएशन के अंदर इन छह नक्षत्रों में एक दो नक्षत्र ऐसे हैं जिनकी पूजा कराने का अर्थ है जंगल में जाके कुल्हाड़ी लाके पैर पे मारना। भगवान ने तुमको करोड़पति बनाने के लिए दिया था गंडमूल नक्षत्र, तुमने जाने अनजाने पूजा करा ली। मेरे पास ऐसे ही एक क्लाइंट था, उसके बच्चे का बेटे का जन्म हुआ, कह रहे जी पंडित जी ने कहा है कि गंडमूल की पूजा करानी है। मैंने कहा करा ले, मेरे को क्या जा रहा है, तेरी लंका लगेगी। उसके जो चरण का व्याख्या है वो ये कहती है बाप राजा बनेगा पहले, जब बेटा बड़ा होगा तो वो राजा बनेगा। मैंने करा पूजा, मेरे क्या क्या जा रहा है, चलते घोड़े को सेंटा मारो। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज करनी है कौन सी चीज नहीं करनी, ठीक है? नक्षत्र का लिंक महादशा से भी सिखाऊंगा, नक्षत्र का लिंक महादशा से भी सिखाऊंगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो किसी के बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति जो है वो बैठ गया किसके, रेवती के नक्षत्र में। रेवती गंडमूल नक्षत्र भी है और रेवती बुध का नक्षत्र भी है, तो बुध बृहस्पति के अंदर रेवती का भी गुण आएगा और गंडमूल का भी गुण आएगा, आएगा वो अपनी दशा में। मैंने अभी एक स्थान वाला हिंट दिया आपको, वो तो प्रॉपर एक्सप्लेन किया, अब मैंने दशा में बताया बृहस्पति की दशा, बृहस्पति बैठा किसके नक्षत्र में, रेवती के बैठा है, बुध के नक्षत्र में, तो बुध के भी गुण आएंगे बृहस्पति में। रेवती चूंकि गंडमूल नक्षत्र का स्वामी भी है तो गंडमूल वाले भी दोष आएंगे। तो अच्छे से मैं क्लास में आपको समझाऊंगा। फिर क्या आता है, शत्रु भी है ये बुध। हाँ हाँ जी हाँ जी, तारा नक्षत्र और तारा नक्षत्र क्या होता है वो सिखाऊंगा। फिर सिखाना है आपको लता नक्षत्र, जिन लोगों के ऑल ऑफ सडन व्यापार में हानि हो जाती है वो हानि का कारण केवल और केवल लता नक्षत्र होता है। जिन लोगों के व्यापार में अचानक हानि होती है, अच्छा भला व्यापार चल रहा था अचानक उसमें गड़बड़ आ गई, तो आने का कारण क्या है, लता नक्षत्र। तारा नक्षत्र में तो लंका ही लग जाती है, ये मैं पहले बता रहा हूं, तारा नक्षत्र में तो एक किस्म से लंका ही लग जाती है। मेरे कॉमन शब्द हैं, आप उसको नेगेटिव मत लेना, एक प्यार भरे शब्द है बस और कुछ नहीं है। फिर आपको सात नक्षत्र बताए जाएंगे जो पैसे वाले हैं,
पैसे वाले कौन से नक्षत्र हैं? मुकेश अंबानी की कुंडली गूगल पे सर्च मार के देख लो, उसके सारे नक्षत्र पैसे वाले नक्षत्रों में है ग्रह, उनके ग्रह सारे के सारे पैसे वाले नक्षत्रों में ही। तो 7 नक्षत्र होते हैं पैसे वाले, वो आपको अच्छे से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। फिर तो होता है ना, आप जाते हैं जोशी से, वो जी मेरी कोई चीज गुम गई है, मेरा फोन गुम गया है, मेरा हार गुम गया है, मेरे सोने की चूड़ी गुम गई है, तो उसका कैसे पता लगेगा, यानी उसके बारे में कैसे आप जानकारी दे पाएंगे? वो होता है लोचन नक्षत्र। क्या होता है? लोचन नक्षत्र। लोचन नक्षत्र के अंदर खोई हुई चीज के बारे में जाना जाता है। पहले मैं नहीं पढ़ाता था लोचन, अब मैं पढ़ाने लगा हूं पिछली 2 क्लासों से लोचन नक्षत्र। लोचन नक्षत्र होता है, फिर अंध लोचन नक्षत्र होता है, मंद लोचन नक्षत्र होता है, सुलोचना नक्षत्र होता है। ये 4 प्रकार के नक्षत्र होते हैं जिनसे ये जाना जाता है कि खोई हुई वस्तु मुझे मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर से बता रहा हूं, अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना, मंद्याक्ष, ये 4 प्रकार के लोचन नक्षत्र होते हैं। लोचन के अंदर 4 कैटेगरी आती हैं, अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना, मंद्याक्ष। इसके अंदर हम लोग ये जानते हैं कि कोई हुई वस्तु हमारी मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। मेरी सबसे इजी ट्रिक है प्रश्न कुंडली की, जिसे मैं आंख बंद करके धरती पे कहीं पे भी हूं मैं आंसर दे देता हूँ, 100% एक्यूरेट होता है। अपकमिंग में लाऊंगा मैं 21 दिन में वो प्रश्न कुंडली वाला कोर्स, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा आंख बंद करके कैसे किसी का A से Z तक बता देना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आपको वर्तमान के गोचर के ग्रह पता होने चाहिए, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा दिमाग नहीं। और मेरा पढ़ाने में सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको रट्टा लगाना पड़ा या याद रखना पड़ना तो बेकार है, ज्योतिष नहीं आएगा, आराम से इजीली सीखो। ठीक है, आयु का कौन से वर्ष वगैरह या आयु में मुझे कब सुख दुख वगैरह जानकारी होगी, वो नक्षत्र से थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं एक बता देता हूं नक्षत्र, जैसे विशाखा नक्षत्र, दो पॉइंट्स बताता हूं। विशाखा नक्षत्र ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है, इसका लॉर्ड होते हैं बृहस्पति देव। द पर्सन हु इज बॉर्न इन विशाखा नक्षत्र, मैं उसे छूटते ही कहता हूं भैया ना तो तू उधार दियो ना लियो, भैया तूने किसी को उधार दिया ना वो वापसी तो आना नहीं, और तूने उधार लिया ना तो तेरे से चुकाने में दिक्कत आएगी। और ऐसे आदमी को इसका संधि विच्छेद करो, ब्रांचेस आएगा। इस आदमी को ना खुजली होती है कि अपने एक्सपेंशन की, कुंडली तो देख ले, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इज बॉर्न इन विशाखा नक्षत्र, वो अपने आप का फैलाव चाहता है, अगर कुंडली फैलाव नहीं दे रही तो भैया नुकसान आएगा, ये चीज समझो आप। तो नक्षत्रों के अंदर जो है इसको दोबारा समझाओ सर, ये क्लास में आ जाना ना, मैं समझा दूंगा अच्छे से, क्यों चिंता कर रहे हो मेरे भगवान, 3 बारी समझाऊंगा, वो तो आ जाएगी अभी यूट्यूब पे ओपन आएगी ये। तो अब जैसे पूर्वा फागुनी नक्षत्र, अग्नि का है, पूर्वा फागुनी नक्षत्र जो है इसमें अगर आपने कोई चीज गुम कर दी वापिस नहीं मिलेगी, दिमाग लगाना बंद कर दो। हाउ टू चेक के मेरा पूर्व फागनी में खोया है सामान, जैसे मान लीजिए आज आपका कोई पेन खोया, छोटी चीज बोलो भैया किसी का क्यों नुकसान बोलते हो, तो मेरा पेन मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो आज के पंचांग में चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, अगर चंद्रमा पूर्व फागनी नक्षत्र में चल रहा है तो खोई हुई चीज नहीं मिलेगी, भूल जाओ, दिमाग लगाना बंद कर दो, बात क्लियर। अब आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, आपका जो जन्म होता है, मान लो किसी का जन्म नक्षत्र रेवती था जिसका स्वामी बुध था, बात क्लियर, और चंद्रमा उसका मृगशिरा में था जो मंगल का है, राइट? समझ में आई? जन्म जो हुआ वो जन्म लगन का नक्षत्र रेवती बुध में था, चंद्रमा जो होता है इसी से नक्षत्र से आपकी दशाएं फिक्स होती हैं। ठीक है, आपको पहली दशा मंगल की मिलेगी क्योंकि चंद्रमा मृगशिरा में था।
अब ये देखिए कि जन्म लग्न का नक्षत्र का स्वामी और चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी क्या मित्र हैं? शत्रु है आपस में। शत्रु है। तो पूरा जीवन ताता थैया है, बस आप ये समझ लो उठा बैठा गया पूरा जन्म, क्योंकि संबंध ही नहीं बना लगन का। चंद्रमा को बोलते चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा मन का कारक है, लगन शरीर है, मन सोच रहा है कि मैं अमेरिका में घूम रहा हूं और शरीर है वो मेट्रो में धक्के खा रहे हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द यूर मून एंड मरकरी। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक, जिनका है वो देख ले जन्म क्यों धक्के खा रहे हैं हम। सिंपल सा है, बारीकियां तो मैं आगे से बताऊंगा ना आपको, फिर मैं कुछ संक्रांति के बारे में भी आई ट्राई माई बेस्ट टू डिस्क्लोज यू संक्रांति। नाउ कमिंग अप टू द डिग्री, नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री। बेसिकली ये नो हाउ है, मेरा बताने का तरीका अगर आपको समझ आता है तो यू डेफिनेटली ज्वाइन द क्लास। लेकिन मैं, मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं कम से कम 2 से 3 बारी हर पॉइंट को बोलता हूँ, जिसको नहीं समझ में आता उसके बाद भी मैं उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ। अब आते हैं डिग्री के अंदर। अब आप देखो मंगल है 15 डिग्री का और शुक्र है 21 डिग्री का, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया, मंगल है 21 डिग्री का, शुक्र है 15 डिग्री का, ठीक है। अब क्या है कि मंगल जो होता है एज पर द नाड़ी वो पति होता है, नाड़ी के अकॉर्डिंग। मैं बीच में नाड़ी भी पढ़ा जाता हूं, किसी को पता नहीं लगने देता, फिलहाल यहां डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मैं नाड़ी का पॉइंट बता रहा हूं, अगर ना बताऊं तो आपको नहीं पता लग सकता। शुक्र यानी पत्नी होता है। अब इसके आगे में 21 डिग्री है, इस आदमी का विवाह टाइम पे हो जाएगा, उसको पत्नी मिल जाएगी, He'll get married in very timely period। यहां मंगल 21 डिग्री का है, शुक्र पीछे है। अब पीछे है तो वाइफ तो पीछे है, मुझे टाइम लगेगा टू फाइंड आउट द वाइफ। तो ऐसे आदमी की शादी 28 से लेके 34 के बीच में होगी, सीधा बोल दीजिए भाई साहब इसी के बीच में आप विवाह होगा। फोन पे डिग्री पूछ लो, फोन पे ही आंसर दे दो, बाकी तो डिटेल में आएगा तब बताएंगे ना, गोचर वोचर तो मोटा तो हम 1 सेकंड में बता सकते हैं। अब आपको गोचर के ग्रह का बताते हैं, डिग्री का, गोचर में ग्रह डिग्री में कैसे फल करते हैं। अब जैसे सूर्य है, अब आप देखिए गोचर में सूर्य 0 से 10 डिग्री तक में फल देता है, ठीक है। अब मान लीजिए गोचर में 21 डिग्री का सूर्य चल रहा है, तो चल रहा चलने तो अपने को क्या दिक्कत आ रही है, वो तो जब तक 0 से 10 डिग्री के बीच में नहीं होगा फल नहीं देगा। फल देने का काम उसका 0 से 10 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। ये है एक टेक्निक होती है मार्गी ग्रह की, और दूसरी टेक्निक होती है गोचर की वक्री ग्रह की। वक्री ग्रह गोचर में कैसे फल देंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्री ग्रह ही जीवन में उथल पथल लाते हैं, याद रखना। उथल पथल जो है ना अपना अप एंड डाउन, वो वक्री ग्रह से ही पता लगेगा। अब आते हैं 0 डिग्री से धन योग। अब जिसे भी देख लो ग्रह 0 डिग्री, अरे भाई साहब आपका तो ग्रह 0 डिग्री का है, आपका तो कुछ नहीं हो सकता। भैया मेरे पास आ, मैं राजयोग दिखाऊंगा। जिसको देखना हो अमिताभ बच्चन का जुपिटर बृहस्पति, अमिताभ बच्चन का बृहस्पति 0 डिग्री का है, अब देख लो वो कितना पैसे वाला, आप कितने पैसे वाले हो। सूर्य 0 डिग्री का, कोई भी संत होते थे पहले जमाने में अपनी दिव्य दृष्टि से बोल देते थे या कुंडली देख करके, सूर्य किसी का भी 0 डिग्री पर आया या तो आदमी राजा बनेगा या बहुत बड़ा योगी बनेगा, दोनों में से एक चीज घटेगी उसके जीवन में, तीसरी चीज नहीं है। या तो वो योगी बनने के लिए पैदा हुआ है या राजा बनने के लिए पैदा हुआ है। स्वामी विवेकानंद की कुंडली देखिए, उनका सूर्य 0 डिग्री का है, वो योगी बने। बात क्लियर? अब मैं 0 डिग्री को एक्सप्लेन करता हूं। आप मान लीजिए ये अर्थ है,
आप अर्थ पर हो, आपने एक सैटेलाइट छोड़ा मून पर, तो जब वो चला था तो 10,000 किलोमीटर की स्पीड थी अर्थ से, राइट। जैसे ही वो मून पर आया तो वो मून जो है वो ग्रेविटी लेस प्लेनेट है, उसने वहां लैंड करना है, तो ये 10,000 की जगह अब इसकी 0 डिग्री स्पीड करनी पड़ेगी ना, तभी तो लैंड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ग्रह, इसका मतलब जब कोई ग्रह 0 डिग्री का होता है वो पीछे से बहुत ज्यादा फोर्स से आ रहा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कोई चीज नहीं देखता, ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स के अंदर नो वन इंटरेस्टेड टू रीड आउट दैट काइंड ऑफ ए पॉइंट्स। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 0 डिग्री कैसे क्या होता है, बजाय सिर्फ 0 डिग्री देख के कह देना जी ये तो नुकसान कर देगा, अरे भैया रहने दो। ठीक है, अब हम डिग्री yes, कैसे डिसाइड। अब हमें मान लीजिए ये किसी की मेष लगन की कुंडली है, ये मेष राशि लिखी है, कोई भी कुंडली हो सकती है, मेष लगन 12 लगन है, कोई भी लगन। हम डिग्री के आधार पर कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कुंडली में जान है या बेकार कुंडली है, कुंडली में ताकत है या कुंडली कमजोर है? हाउ वी विल डिसाइड? ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन डिसाइड कि इस कुंडली में बहुत ताकत। बात क्लियर? अब दूसरा हम ये बताएंगे, जैसे मैंने अभी रिसेंटली जेमिनी के कोर्स में बताया था, अभी मेरा कल ही खत्म हुआ है जेमिनी का कोर्स, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट को आत्म कारक कहते हैं। कोई भी प्लेनेट हाईएस्ट डिग्री पे हो सकता है, 27 डिग्री पर है मान लीजिए आपका कोई भी प्लेनेट, उसको जेमिनी कहती है, डेट इज कॉल्ड आत्म कारक। हम लोग जो जीवन जीते हैं, अगर आत्मा शरीर में से निकल जाए वी आर डेड बॉडी, ठीक है। तो जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा, जिंदगी उसी प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती है, ये याद रख लीजिए आप। ऐसे कई सूक्ष्म चीजें बताऊंगा इसके अंदर है, वहां जेमिनी में नहीं है, कितने कितने डिग्री के प्लेनेट जिंदगी में कहां कहां घुमा देते हैं। और लोएस्ट डिग्री प्लेनेट दारा कारक, किसी का ये कोई भी है, 3 डिग्री का है या 2 डिग्री का प्लेनेट है, लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट ये जिंदगी में कहां परेशानियां पैदा करेगा? ये जिंदगी के उन हिस्सों में परेशानियां उसने देनी ही देनी है, क्योंकि लोअर डिग्री पे आ गया था। और हाईएस्ट डिग्री वाला जिंदगी अपनी तरफ घुमाएगा, मेरी तरफ ही घूमो भैया, मेरे ही फेरे लेते रहो और किसी के नहीं लेने, वो सुख के हैं या दुख के हैं। पर लोअर डिग्री वाले ने तो दुख देना ही देना है, वो तो कंफर्म मानकर चलो ना। और जेमिनी के अंदर लोअर डिग्री को बोलते हैं दारा कारक, यानी पत्नी होता है। 5वें स्थान को बोलते हैं ज्ञाति, 6ठे स्थान को बोलते हैं ज्ञाति कारक, वो 7th प्लेनेट होता है दारा कारक, तो वो अलग है, ठीक है। फिर आपको ये सिखाया जाएगा कि ग्रह मध्य, ये बहुत पावरफुल होता है गोचर के अंदर, ये मैं बता रहा हूं आपको डिग्री में, अभी गोचर मैं कराऊंगा, उससे पहले ये डिग्री गोचर समझा रहा हूं। ग्रह मध्य फायर कब खोलता है? जब ग्रह मध्य पे आ लगे, जैसे ही ग्रह मध्य पर आएगा डिग्री के अंदर, किसमें? डिग्री के अंदर, वो अपना अच्छा या बुरा फल आपको दे जाएगा। बात क्लियर? दूसरा होता है भाव मध्य, भाव मध्य, भाव मध्य में ग्रह जैसे ही आएगा डिग्री पर, वो अपना अच्छा या बुरा फल देकर चला जाएगा। तो हमको ग्रह मध्य समझना है और भाव मध्य समझना, ताकि हम अपने फलित को जान सकें कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव घटना हमारे जीवन में घटेगी। अब आते हैं हम लोग, 4th पॉइंट आया हमारा गोचर का, ठीक है। गोचर के अंदर क्या है जी आपका? ग्रह गोचर। अब आप ध्यान से देखिए, ये मंगल है इसका स्वामी, अगर मंगल गोचर में कर्क राशि में गोचर कर रहा है, ये लगन आपका शरीर होता है, ठीक है। लगन क्या होता है? शरीर। चंद्रमा क्या होता है? आपका मन। सूर्य क्या होता है? आपकी आत्मा। बात क्लियर? शरीर बन गया आपका प्रॉपर।
तो जब भी लग्नेश नीच का होके गोचर करेगा, सबसे पहले तो आपकी हेल्थ उड़ाएगा, ये उसका गुणधर्म है, शरीर है ना आपका। दूसरा, आपके काम धंधे ऑफिस में परेशानी लानी ही लानी है उसमें, लग्नेश कमजोर हो गया ना, बिकॉज यू आर वीक ना, तो युद्ध कैसे हो पाएगा जब आप कमजोर है, नहीं कर पाएंगे। अब किसी को वायरल फीवर, उसे को 200 किलोमीटर की दौड़ लगा दो, थोड़ी लगा पाएगा। इसका प्रोफेशन से कैसे हुआ संबंध? मैं बताऊंगा ना सर, क्लास में सर, यहाँ डेमो है सर, मेरे अच्छा सर, प्रोफेशन अच्छा। लगेगी वो जिज्ञासा है, जिज्ञासा भूल जाते हैं क्योंकि डेमो में तो मेरे को हाइलाइट्स देने होते हैं सर, क्लास में उनका एक्सप्लेनेशन होगा ना सर। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, जो लोग ज्योतिष का ABCD भी जानते हैं ना सर, मेरे को फोन करके बोलते हैं सर हमारे को बहुत सारे तुरुप के पत्ते पता लग गए, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको तो पकड़ के जाते हैं वो बड़ी तेजी से कि मैं बोल क्या रहा हूँ, फोन करके बोलते हैं। भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, तारीफ कर रहा हूँ लोगों की, ठीक है। 0 डिग्री से तो ग्रह कमजोर गिनते हैं, वो गिनते हैं ना, मैं तो राजयोग गिनता हूँ। अब हाँ। कोई भी लग्नेश अगर त्रिकोण में गोचर कर गया तो राजयोग बनाएगा नहीं बनाएगा? हाँ। स्वामी होके त्रिकोण में गया, उस दौरान काम धंधा शुरू करो, नया व्यापार शुरू करो, कोई नई नौकरी मिल रही है फटाफट भाग के ज्वाइन करो जी। बात समझ में आ रही है जी सर। तो ये देखिए आप, अब आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ, आपका बुध कहीं पे भी बैठा था कुंडली में, मान लीजिए बुध आपका यहाँ बैठा था, क्लियर। अब बुध किसे त्रिकोण क्या बना, एक ये त्रिकोण बना बुध से, सप्तम अष्टम नौ, एक ये त्रिकोण बना। अगर गलती से बृहस्पति यहां आ गया, आपके जन्म के बुध से त्रिकोण में बृहस्पति आ गया, ठीक है, गोचर का, मैं ब्रैकेट में टी लिख देता हूं, टी का मतलब ट्रांजिट, ठीक है। भाई साहब आपकी सेल हो रही थी 100 रुपए डेली, जैसे ही बृहस्पति ट्राइन में आया, अब आपकी सेल 1000 रुपए वाली हो गई, व्यापार बढ़ा देगा, बिकॉज बुध व्यापार का कारक है। अब नौकरी वाले को क्या होगा, नौकरी वाले को यह फायदा होगा कि पहले ऑफिस में उसको कोई सोचता नहीं था, कोई देखता नहीं था। मैं नाड़ी की टेक्निक शेयर करता हूं, नाड़ी कहती है जुपिटर इज हैलोजन, वो लाइट होती है ना जो स्ट्रीट पर बहुत बड़ी लगी होती है, पावरफुल लाइट, इस ग्रह को प्रकाशित करने का, यानी आपकी टॉर्च यहां पर आके पड़ गई, आप बात समझ रहे हैं, लाइट चली जाती है तो अपन टॉर्च से देखते हैं ना, तो यानी बृहस्पति क्या है, टॉर्च है, उसने उस ग्रह पर टॉर्च डाल दी। अब और क्या है, बुध जो है मार्केटिंग का काम है, सेल्समैन है बेचारा, रोज धक्के खाता था, एक ऑर्डर या दो ऑर्डर मिलते थे, जुपिटर ने देख लिया भैया ऑर्डर की लाइन लग गई उसके पास, और फॉर्चुनेटली ही बिकम माय सेल्स मैनेजर, प्रमोशन हो गया क्योंकि ऑर्डर ज्यादा मिले बिकॉज ऑफ जुपिटर। अब कोई कहे जी मेरा तो बेटा है जी 10 साल का 12 साल का, उसका क्या होगा जी? अरे भैया वो एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लाएगा, रीजन बुद्ध जो है बुद्धि का कारक है, पढ़ाई लिखाई का भी तो कारक है, जो बच्चा शरारते ज्यादा कर रहा था थोड़ी कम करेगा, उसमें थोड़ी सी समझ आ जाएगी अच्छी वाली, वो बात को अच्छे से समझने लगेगा, उस समय माँ बाप अगर समझाएंगे तो बच्चा जल्दी से माँ बाप की बात को ग्रैप्स करेगा। आपके पास लोग आएंगे ना, वो पूछेंगे हमारा बच्चा तंग करता है, आप देखो गोचर में बृहस्पति कब आ रहा है, इसी साल है कि अगले साल आ रहा है या उससे अगले साल आ रहा है, तब माँ बाप को बोलो साहब इस समय आप बच्चे को समझाओगे ना तो बच्चा आसानी से बात को समझ लेगा और विल फॉलो अप, सेकेंडली विल गेट अ गुड मार्क्स इन द एग्जाम। बात क्लियर? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और बाई चांस आप निकम्मे से निकम्मे स्टूडेंट हो, बृहस्पति पास करा देगा क्योंकि उसने उसको देख लिया, उस समय आपका दिमाग चल पड़ेगा। बात क्लियर? फिर हमें ये देखना है कि मान लीजिए किसी की बृहस्पति की दशा थी, बात क्लियर, किसकी दशा थी, बृहस्पति, और दूसरा बृहस्पति गोचर में कहां बैठ गया, इस हाउस में आ गया गोचर में, बृहस्पति क्या है, नीच का हो गया ना जी, तो यहां 13 महीने नीच का रहेगा जी, जो बृहस्पति की दशा में आपको शुभ फल मिल रहे थे उसमें फुल स्टॉप लग गया ये 13 महीने का
ये फुल स्टॉप, क्योंकि गोचर में तो नीच का हो गया। अब बात समझ रहे हैं, किसी ने आपसे कह दिया कि सर आपकी बृहस्पति की दशा शुभ जाएगी, अजी मेरे को तो किसी जोशी ने बोला था। अरे जोशी ने तेरे हर साल का या 6 महीने का गोचर नहीं देखा। बात समझ में आया या नहीं आया? छोटी सी पॉइंट है, बृहस्पति की दशा शुभ फल दे रही थी, लेकिन गोचर में बृहस्पति नीच का हो गया। अब नीच का हो गया तो भाई साहब फल तो नीच वाले ही मिलेंगे ना आपको, अब थोड़ी राजयोग वाले फल मिलेंगे। तो ये पीड़ा का समय होगा। फिर आपको गोचर से ये सिखाया जाएगा, चंद्रमा से माई फैटल डे। यार आदमी कहता है ना कि यार आज किसकी शक्ल देखनी, मेरा दिन ही खराब गया, नॉर्मली बोलता है ना। सो आई टीच यू द फैटल डे विद द हेल्प ऑफ मून। फिर आदमी कहता है मेरे को आपने किसी की इंटरप्रिटेशन की कि भाई साहब आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है, फलाना हो सकता है, ढिमकाना हो सकता है, तो वो ये पूछता है साहब मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन कब मिलेगी। आई विल टीच यू इन द क्लास, वो मून बता देगा इस दिन आपको सूचना मिल सकती है। बात क्लियर? दूसरा क्या है कि एक और चीज बताई जाएगी कि ट्रैफिक जाम रहेगा, सॉरी ये स्पेल गलत आते हैं, ट्रैफिक जाम जैम हो गया, फ्लाइट डिले हो गई। आई विल टीच यू द टेक्निक, फ्लाइट डिले हो रही है, ये सारा मुंह से सिखा दूंगा आपको। फ्लाइट डिले हो रही है, मेरी ट्रेन डिले हो रही है, मैं घर से बाहर निकलूंगा ट्रैफिक मिलेगा और मैंने फ्लाइट पकड़नी है। सी द मून पोजिशन वाइल यू आर गोइंग इन द ट्रैवलिंग। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब गोचर में क्या होता है कि अब देखिए यहां पर बृहस्पति का गोचर हुआ, क्या हुआ? टी फॉर गोचर ट्रांजिट, 12th हाउस में आया। आपको तो खराब दिख रहा है सबको। अरे भैया इसने 4th हाउस को देख लिया, 4th हाउस सुख का है, तो आपका मकान या गाड़ी बनेगी, ये बात पक्की मान लीजिए। मकान बने या गाड़ी बने, जितनी आपकी जेब में पैसा उसी हिसाब से। कख नहीं बने तो रिनोवेशन घर का होगा। कुछ भी पैसे नहीं है, कोई कहे जी मैं तो झोपड़ी में रहता हूं, भैया तू नया गिलास या कटोरा लेकर आए, ऐसे कैसे हो जाएगा? संपन्नता के आधार पर होगा। शास्त्र में तो गाड़ी मकान है। अब कोई आदमी मेरे पास आके कहते जी मैं तो झोपड़ी में रहता हूं, मैं थोड़ी कह सकता हूं उसका बंगला बनेगा। हाँ नॉर्मली आदमी का शास्त्र कहता है मकान या गाड़ी इस प्रकार की चीजें उसे प्राप्त होंगी। बात क्लियर? अब मैं एक और अच्छी बात बता रहा हूं, ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को। मंडे को स्टार्ट होगा 9:30 से 10:30 तक होगा ये रात को, और डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, और फी इसकी रहेगी 2111 ओनली। इफ एनीवन हैविंग ए डाउट कैन रेज ए क्वेश्चन। जी ये ओनली हटा दो सर। जी सर ओनली हटा दो सर। अच्छा ओनली हटा देता हूं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी किसी को कोई मन में डाउट हो, संचय हो तो पूछ सकता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू। जी सर ये कौन से नक्षत्रों में अपने को पैसा नहीं देना चाहिए? हाँ तो वो सिखा दूंगा ना, मैंने कब मना करा भगवान, अभी तो बताया ना विशाखा नक्षत्र में नहीं देना बाबा। हाँ अगर किसी का जन्म नक्षत्र है उसको लेकर आया हुआ है, मान लो आज पंचांग देखा आपने, ठीक है, पंचांग में चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, ठीक है, तो जो बच्चा जन्मेगा आज के दिन तो उसका जन्म नक्षत्र क्या हुआ? विशाखा हुआ, और आपके लिए ट्रांजिट हुआ क्योंकि आपका तो प्रकट हो चुके हैं धरती पर, ठीक है, तो आज के दिन आपने उधार पैसा नहीं देना, बात खत्म। जब चंद्रमा विशाखा नक्षत्र को छोड़ दे तब आप उधार पैसा दीजिए। जी एक चीज और है कि वो अगला आदमी अगला मेहमान जो आया है वो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? वो तो कुंडली से पता लगेगा ना। नहीं नहीं तो कुंडली से पता लगेगा ना। नहीं वो जो है जिसे बेटा हुआ श्लेषा में हुआ, अश्विन में हूँ मैं, तो अश्विन के लिए श्लेषा फायदेमंद है? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये कैलकुलेशन नहीं होती।
मेरी मिट्टी ना खराब करें, मैं बड़े प्यार से बता रहा हूँ। जातक का लगन इधर देखो जरा, तो पता क्या है, इस देश में सब लोग जानकर के भी गड़बड़ करते हैं। ये लगन मैं सिखाता हूं, देखो ये लगन हुआ यानी आप, आपका पांचवा घर आपका पुत्र जी, पुत्र का पुत्र आपका पोता हुआ जी। अब आप देखो कि आपसे आपके पोते का रिलेशन 6-8 का है तो लंका लग गई, 2-12 का है तो पैसे की लंका लगेगी। यहाँ अंडरस्टैंडिंग की लंका है, यहाँ पैसे की लंका है, तो अच्छा। वो संबंध वहां देख रहे हैं, ऐसे नक्षत्र से नहीं देख सकते। अच्छा, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए तो आप पढ़िए किताब सर, मैंने कब कहा, मेरे को तो सिलबट्टा घिसते 21 साल हो गए हैं, मैं तो एक सेकंड के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया, रिलेशनशिप भी समझा दिया, ऐसे नहीं होता है सर। अच्छा ठीक है, चलिए फिर हम क्लास में मिलते हैं। जिन्होंने भी एनरोल करना है मैं उनको पेटीएम वगैरह सारा दे दूंगा, दे कैन एनरोल देमसेल्फ, और पर्सनल अटेंशन कंपलसरी है मेरी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, उंगली पकड़ के पढ़ाना है मुझे। क्लास थोड़ी जल्दी कर दो ना सर। अरे सर इससे पहले कल वाली पर एक क्लास 8:30 से 9:30 है ना, 8:30 से 3 क्लास आ रहा था, 2 कर लिए मैंने, तो एक साथ कर लो ना सर। 7 से ऐसे नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। और एक 8 से 9 कर लो, 3 पर आया हूं, 3 से 2 पर आया हूं, मेरा धंधा मत बंद करो भाई, कोई अच्छी दुआ दो सर। नहीं आपका धंधा तो अच्छा चलेगा सर, कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद। So good night to all of you. Have a good day. Those who are interested, they can enroll themselves for the class. Thank you, sir. Okay, thank you, sir.